जी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? पैशन है मेरा ये, इसको जो चेंज करने का एक खास रीजन रहा है कि मेरा जो खुद का शौक रहा है कि मैं सिंगिंग करूं। लोग यहां से राउरकेला क्या लेकर जाएंगे? एंजॉय लेके जाएंगे, फोटोशूट जब जितना हुआ सब लेके जाएंगे। और हे गाइस, आज दूसरा दिन है और ये वाला वीडियो जो बना रहा हूँ तो फिर मैं यहीं पे यही वाले लोकेशन पे हूँ, मैन पार्ट वाले लोकेशन पे। और ये वाले वीडियो को पब्लिश एक दिन बाद कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, तो इसमें आलोक रवि जी से कुछ उमेश भैया ने सवालें करी हुई हैं, इंटरव्यू कह सकते हैं आप। तो चलिए इंटरव्यू लेते हैं आलोक भैया जी का और जानते हैं कि हमारे लिए क्या संदेश दिए हैं और YouTube से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई गई हैं, तो उनकी बातें सुनते हैं और उमेश भैया का व्लॉग का मजा लेते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश भगत और आप देख रहे हैं SP ब्लॉग। मेरे छोटे भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि एक भैया एक छोटा सा ब्लॉग तैयार कीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास लोगों से मिलवाना चाहता हूं जो कि फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए भाई लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। भाई क्या नाम है आपका? प्रदीप टप्पो। प्रदीप टप्पो, हाँ सब जानते रहोगे। ये देखिए नहीं विरोध में नहीं नाचो जोहार। क्या नाम है आपका? करण। कब से डांस कर रहे हैं आप? 5 साल। 5 साल। आपका नाम? अश्विन राज। कब से कर रहे हैं? हो गया 4 साल। आपका नाम? कार्तिक सिंह। कब से? 5। 4 नहीं है, ज्यादा है वाला। एक साल। अरे ये सिंगर भाई साहब हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आर के राहुल बड़ाई। भाई साहब आप? मेरा नाम अजीत है। कब से कर रहे हैं डांस? 2 साल। 2 साल। कैसा लगता है आपको डांस? अच्छा, डांस करना अच्छा लगता है। तो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है ना? अच्छा फील। तो आप लोग यहाँ से राउरकेला क्या लेकर जाएंगे? एंजॉय लेके जाएंगे, फोटोशूट जब जितना हुआ सब लेके जाएंगे और यादगार लेके जाएंगे, बताएंगे इधर का रील्स लेके जाएंगे। रील्स लेके जाएंगे, लेके जाएंगे सीन। और आप क्या लेके जाएंगे? यादें लेके जाएंगे, यादें। छत्तीसगढ़ मेन पार्ट। मैं और एक बहुत ही खास इंसान से आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा, बहुत ही स्पेशल है। छुपने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं छुपने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। मेरे को लगा उनसे मिलवाने आप, वाले आप, हैं। आप सभी दर्शकों इन्हें जानते होंगे, ये हैं सनत भगत, ये SB ब्लॉग के मालिक हैं। ये मालिक नहीं है अभी, बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है इनका, ठीक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी कर दें। फोकस ले रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। ये हमारे आकाश जी सिनेमेटोग्राफर, चलिए हम आप अगले कलाकार से मुलाकात करवाते हैं। ये है हमारे आलोक रवि जी। सर कैसा लग रहा है आलोक? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं बैठ के बस देखता रह रहा हूँ। क्या इसके अलावा और कुछ करना चाहेंगे आप? इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप कीजिएगा, बस मैं देखने आया हूँ। जी तो मेन पार्ट में आप कैसा लग रहा है? मेन पार्ट में बहुत अच्छा, हमेशा से अच्छा लगता रहा। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो हवाएं हैं, जादू है। और इस सीजन का जो नज़ारा है उसमें आपको क्या बदलाव नजर आया है इस बार? बदलाव सर कहना चाहिए, यहाँ के वादियों में ही अलग सी खुशबू है। खुशबू है जो कि टाऊ की खुशबू है, हालांकि यहाँ उतनी अच्छी नहीं होती है पर हाँ होती जरूर है। आलोक जी आप ये बताइए, ये मैं जब भी आता हूँ मैं इस सीजन में कि मैं टाऊ की खेती देखता हूँ, एक्चुअली में ये टाऊ की खेती जो है ये इससे बनता क्या है? सर इससे सुनने में आया है कि मैदा बनता है। मैदा बनता जहाँ तक मैदा ही बनता होगा,
जो कि समोसा खाते हैं अपन लोग। जी जी जी। और समोसा सबको पसंद है, जिसके अंदर आलू होता है सर। तीन कौन की तितली नहा धोआ के निकली, सर सुने होंगे। जी बिल्कुल सुना है। जी वही है, मैदा बनता है। और कैसे बनता है, इसका जो बनाने का जो प्रोसीजर है, मैं अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। तो आलोक जी, आपका भी यूट्यूब चैनल है? जी 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 जी, सब्सक्राइब करें। तो सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है आपका। जी ठीक है जी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि भविष्य में बहुत अच्छा काम करें। अभी 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं चाहूँगा कि भाई आपके 1,000,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। सर दुआएं आपकी बस कबूल हो जाए आपके। तो ये मेरे छोटे भाई साहब जी हैं, सनत भगत जी, इनका चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत जल्द इस चैनल को मोनेटाइज करवा ही देंगे। एकदम सर, मैं तो चाहूंगा कि मेरे जो ऑडियंस है, खुशी से मैं आपको $2-4 की टी-शर्ट जरूर दिलवा दूंगा मैं, जिसमें सर, मेरे को सर? जिसमें SB ब्लॉग लिखा हुआ है सर, मेरे को सर? जी बिल्कुल। टी-शर्ट सर? जी सर, मैं इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरे से कुछ भी करा लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू अच्छा रहा। आलोक जी जी, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग है, क्या थोड़ा सा मुखड़ा सुना सकते हैं? नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा रविदा के स्टूडियो से निकलने वाला है। जी रविदा के स्टूडियो कहाँ है? कांटा टोली में सर, कांटा टोली रांची। जी जी जी। तो वहाँ से निकलने वाला है, लगभग सारा चीज कंप्लीट हो गया, केवल मास्टरिंग केवल बाकी है, उसके बाद में आएगा। टाइटल होगा डींडा छोड़ी। जी तो आलोक जी मुझे ये बताइए जी, एक्टिंग को थोड़ा छोड़कर आपने ये सिंगिंग वाला जो लाइन है ये पकड़ के रखा है, अभी कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग करना क्या है कि अच्छा लगता था, बट मुझे लगता है कि मतलब परिस्थितियों ने आपको बदल दिया है। जी नहीं, डिमांड के अकॉर्डिंग आपने जो है सिंगिंग एक्टिंग से सिंगिंग की ओर आपने रुक किया है। मतलब ये जो पैशन है मेरा, ये इसको जो चेंज करने का एक खास रीजन रहा है कि मेरा जो खुद का शौक रहा है कि मैं सिंगिंग करूं, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा मेरे को और सीखने की ज़रूरत है, और मैं अभी सीख ही रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा गाना पसंद आता होगा, और नहीं आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर लीजिए, क्योंकि तो अभी बहुत सारा गाना आने वाला है। दोस्तों आप सभी आलोक रवि जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी बहुत जो भी अपडेट आएंगे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आलोक जी समय थोड़ा कम है तो मैं इजाजत चाहता हूं आपसे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। SB ब्लॉग को आपने सपोर्ट किया और समय दिया, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा रहा उमेश भैया के द्वारा किया गया ब्लॉग और इंटरव्यू? उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। For so long I was living my life, was so wrong.